हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल कॉम्बाइंड करंट अफेयर्स। इस चैनल में हम हर रोज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कशन करते हैं उसे पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उसी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हम लोगों के साथ फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग में भी मिल सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करने के बाद एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड K4, ए न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर मिसाइल फ्रॉम व्हिच कोस्ट रिसेंटली। हाल ही में कौन सी कोस्ट से भारत ने एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर मिसाइल K4 को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? ऑप्शन ए ईस्ट कोस्ट ऑफ कोचीन, बी वेस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, सी ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, डी साउथ कोस्ट ऑफ ओडिशा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये मिसाइल आर्यहंत क्लास की सबमरीन्स के लिए बनाया गया है और आर्यहंत इज द फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर सबमरीन बाई इंडिया। और ये जो मिसाइल है K4, ये एक अंडर वाटर पंटून से टेस्ट फायर किया गया है और ये किया गया है आंध्र प्रदेश की ईस्ट कोस्ट से। ठीक है, और ये मिसाइल टेस्ट फायर करने की काम ये इंडियन नेवी का है और अभी इंडियन नेवी का चीफ ऑफिसर है एडमिरल करमबीर सिंह। और एक बात इसी के साथ साथ याद रखना है कि नेवल कमांडर इन चीफ इंडियन नेवी का है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामानंद कोविंद। ओके, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which Indian entrepreneur was recently honored with the membership within the Order of Australia? कौन सी भारतीय एंट्रप्रेन्योर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मेंबरशिप दिया गया है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश बिड़ला, ऑप्शन बी किरण मजुमदार शॉ, ऑप्शन सी संजय जिंदल, ऑप्शन डी आजिम प्रेमजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण मजुमदार शाह। ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ट्रिब्यूलर ऑनर है एंड इट इज गिवेन फॉर द इमेंस कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इस बार इस कमेटी में किरण मजुमदार शाह की नाम एनलिस्ट किया गया है एंड शी वॉज मेड द मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन टू इंडिया मिसेस हरिंदर सिद्धू। ओके, और अभी ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और एक बात है, ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, हाल ही में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया है? 15 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी, 16 जनवरी। और इसका सही आंसर है 19 जनवरी। और इस बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये नो पोलियो स्टेटस, इंडिया की ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए मनाया गया है और इस दिन पल्स पोलियो प्रोग्राम को कंडक्ट भी किया गया था। और ये 2020 का पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्रेसिडेंट श्री रामानंद कोविंद एट राष्ट्रपति भवन। ओके, और भारत 2012 में पोलियो फ्री कंट्री घोषित हुआ था और द लास्ट इंस्टेंस ऑफ एनी पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन वाज लास्ट सीन इन द 2011 इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ओके, तो चलते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे अथॉरिटीज हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस उर्दू लैंग्वेज ऑन साइन बोर्ड्स एट उत्तराखंड स्टेट प्लेटफॉर्म्स बाय व्हिच लैंग्वेज? पाली, संस्कृत, बंगाली, मैथिली। मतलब भारतीय रेल ने उत्तराखंड की प्लेटफॉर्मों से जो रेल का साइन बोर्ड होता है उसमें से उर्दू को हटाकर कौन सी लैंग्वेज को यूज करने का फैसला लिया है? और इसका सही आंसर है संस्कृत। अब क्वेश्चन आता है कि अचानक ये चेंज क्यों, उर्दू को हटाकर संस्कृत क्यों लाया जाएगा? अकॉर्डिंग टू रेलवे मैनुअल, किसी राज्य में जो भी भाषा प्राइमरी हो, जहाँ पर हिंदी प्राइमरी है, इंग्लिश और हिंदी कॉमन है, जहाँ पर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है वहाँ पर कोई सेकेंड जो लैंग्वेज होगा उसी को लगाया जाएगा साइन बोर्ड पे। अगर कोई हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई स्टेट में अगर फर्स्ट लैंग्वेज कोई
और लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, तभी वहाँ पर वही फर्स्ट लैंग्वेज लगेगा। वरना अगर कोई स्टेट का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा तो वहाँ पर स्टेट का सेकंड लैंग्वेज साइन बोर्ड पर यूज होगा। उत्तराखंड में 2010 में सेकंड मोस्ट यूज लैंग्वेज के हिसाब से संस्कृत को अनाउंस किया गया था और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है। और उत्तराखंड के बारे में आप जान लेते हैं, इसका कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड का अभी का चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड का अभी का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस इंटरनेशनल कंपनी इज टू रिलीज इट्स ओरिजिनल फिल्म नेम्ड द बैंकर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने एक फिल्म रिलीज करने वाली है जिसका नाम है द बैंकर? और आपके ऑप्शन है एप्पल, एचबीओ, नेटफ्लिक्स, अमेजन। और इसका सही आंसर है एप्पल। और एप्पल आप सभी जानते हैं कि एक फेमस कंपनी है सारा दुनिया में, और उसका प्रेजेंट सीईओ है टिम कुक, जो कि 2011 से चार्ज पे है। और ये एप्पल कंपनी तीनों ने मिलकर बनाए थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव ओजनियाक और रोलैंड वेजी, इन तीनों मिलकर बनाए थे 1976 में। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द गारंटी कार्ड रिलीज्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट कंसिस्ट हाउ मेनी गारंटीज इंक्लूडिंग फ्री बस सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो गारंटी कार्ड रिलीज की गई है उसमें कितने गारंटियां है फ्री बस सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को लेकर? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10। ओके, तो हाल ही में कुछ दिनों बाद दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन है और बस उसी के पहले ये नया प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अभी देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है इसमें। ओके, और अभी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज अबाउट टू सेट अप मेरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर इन व्हिच कंट्री? भारत कौन सी देशों में मेरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने वाली है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी रशिया, सी श्रीलंका, डी जापान। और इसका सही आंसर है श्रीलंका। ओके, तो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्ष दोनों ने एक मीटिंग की थी और उसी के बाद ये डिसाइड हुआ है कि भारत और श्रीलंका ने मिलकर श्रीलंका में एक मेरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर को स्थापित करेगा। ठीक है, और ये क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न मेरीटाइम एक्टिविटीज इन द इंडियन ओशियन रीजियन, इसलिए ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन है, द अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड ऑफ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर? कौन सी केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपना यूरिया सोना उगले ये जो ब्रांड है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का, ये उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन सी सीपी जोशी, ऑप्शन डी डीबी सदानंद गौड़ा। और इसका सही आंसर है डीबी सदानंद गौड़ा। और ये जो प्रोग्राम हुआ है अपना यूरिया सोना उगले ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और डीबी सदानंद गौड़ा पहले कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर भी थे और अभी ही सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड मोदी मिनिस्ट्री एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग द बेंगलोर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेड मोर टनल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कौन सी राज्य या यूनियन टेरिटरी में जेड मोर टनल बनाया जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी आसाम। और इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये टनल जेड शेप टाइप का होगा और इसका लंबाई होगा 6.5 किलोमीटर और ये सोनमार्ग और गगनगिर के बीच में बनाया जाएगा और ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरी है और उसका अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर ओन द गोल्ड मेडल एट रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट?
कौन सी भारतीय रेसलर ने रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी जगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी बबीता फोगाट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनेश फोगाट। और ये विनेश फोगाट एक रेसलर फैमिली से आती है एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। और इसलिए 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ओके और इनका घर है हरियाणा स्टेट में और दे आर सिक्स सिस्टर्स एंड ऑल आर रेसलर। ओके अभी हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और अभी वहाँ का गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके तो ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चंस और अब आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और हम जब कल वीडियो लेकर आएंगे तब इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है तो आपके लिए क्वेश्चन है विच कंट्री इज टू ऑफर ई वीसा फैसिलिटी टू इंडियन टूरिस्ट एंड ऑलरेडी स्टार्टेड ए पायलट प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी जापान, सी अमेरिका, डी घाना। तो ये था आज का टॉप क्वेश्चंस और अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको इफेक्टिव लगता है तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करके रखिएगा अगली वीडियो को तुरंत पाने के लिए। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।